तो प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक की हम नेमिंग कर रहे हैं और आप लोगों के जो डाउट्स है, बड़े प्यारे प्यारे डाउट्स है, लाओ दिखाना मुझे डाउट्स। 22वां क्वेश्चन अधिकतर बच्चों का डाउट है, बाकी पीछे इन्होंने सभी ने कर लिया है। चेक करूंगा मैं द वैलेंसी ऑफ द एग्जिस्ट, द काइंड ऑफ वैलेंसी दैट एग्जिस्ट इन CaH2। बहुत बढ़िया बेटा, CaH2 ना पहली बात तो ये है कि C2H2 नहीं है, C2H2 अलग है, CaH2 अलग है। इसे बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्राइड। इसका इस ऑर्गेनिक से वैसे कोई लेना देना नहीं है। कैल्शियम हाइड्राइड इज Ca+2 एंड H-1, 2H-1। ये एक आयनिक इंट्रैक्शन इन दोनों के बीच में, ये कैटायन याद होगा आप लोगों को, और ये वाला हमारा क्या है, एनायन। कैटायन और एनायन के बीच में आयनिक इंट्रैक्शन है। 22वां क्वेश्चन है, तो आपको यहां पे लिखना है इलेक्ट्रोवैलेंसी, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। और C2H2 कितने बच्चों को पता है? अच्छा C2H2 बताओ, एक कार्बन दो कार्बन, एक एच इस पे एक एच इस पे, दोनों के बीच में कितने बॉन्ड आ जाएंगे? कैसे पता चला कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड? इसका एक जनरल फॉर्मूला हुआ करता था, CnH2n-2 लिखवाया हुआ था। कितने कार्बन है? इथाइन। बेसिकली ये कोवेलेंसी है, कोवेलेंट बॉन्ड बना, इसलिए कोवेलेंसी बोलेंगे इसे। प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रोवेलेंसी, वो कोवेलेंसी। इलेक्ट्रोवेलेंसी इसलिए क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड जानते हो आप लोग, इसको हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते थे, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते थे। बहुत ही अच्छा, आप लोग क्या करिए, 22वां क्वेश्चन है, इसका आंसर लगाएंगे आप इलेक्ट्रोवेलेंसी इन CH2 एंड कोवेलेंसी इन C2H2, ऑप्शन ए लगाएंगे। बहुत बढ़िया। 23वां बेटा, इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी पहले तो, और फिर मैं कल कराऊंगा तो करेंगे इसे हम। सुनो मेरी बात ध्यान से, CN, ओए नालायक, ध्यान दे, CnH2n+2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एल्केन। अपनी जात में दिखाइए, इधर ध्यान दीजिए एक बार फटाफट से, CnH2n+2, सुन तो लो, एल्कीन, CnH2n+2 सेम है, तो इसमें एक ओ आ गया, क्या आ गया, तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करेगा एल्केनोल को, साथ में ये होगा ईथर भी, और करके लिख देता हूं, ईथर भी हो सकता है एल्केनोल, नहीं जानते हो प्यारे बच्चों, इसको हम एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, ठेका रसीला संतरा, एल्कोहल, एल्केनोल या फिर ईथर, ये फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, बस फर्क इतना है कि ओ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पहचान करना तुम, मैं तुमसे पूछूंगा। और सुनो, और इंटरेस्टिंग बात है, यू हैव अ CnH2n, क्या है ये? अरे नालायक, इसको हम बोलेंगे क्या, हम एल्कीन, क्या बोलेंगे, एल्कीन। एल्कीन की जगह ध्यान से सुनना, एक डबल बॉन्ड ना एक रिंग के बराबर होगा, एक डबल बॉन्ड एक रिंग के बराबर होगा, तो एल्कीन लिख लो, या फिर ये होगा साइक्लो एल्केन, एल्कीन, या फिर क्या बोलेंगे इसे हम, साइक्लो एल्केन। मैं बनवाऊंगा, टेंशन ना लो तुम लोग। अगर प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया CnH2n, तो क्या होगा ये O के साथ, CnH2NO, तो बेटा ये होगा आपका या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन या फिर एल्कोहल प्लस इन, यानी कि एल्कोहल के साथ डबल बॉन्ड। ये सभी लिख लीजिए आप लोग, इतना वक्त नहीं है कि मैं एक एक के लिए तुम लोगों के लिए रुकूंगा, और आधे से ज्यादा बच्चों ने लिख ही लिया होगा। अभी मैं पूछूंगा तुम लोगों से, अगर CnH2NO2 लिखा हुआ है, CnH2NO2, तो ये है एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और प्यारे बच्चों
याद रखना सी एन एच टू एन माइनस टू लिखा हुआ है, अल्काइन, अल्पाइन नहीं, अल्काइन। अल्काइन का मतलब होता है एक ट्रिपल बॉन्ड। या फिर दो डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब है डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड। या फिर एक डबल बॉन्ड प्लस एक रिंग। कैसे भाई, मैं बताऊंगा तुम्हें, टेंशन लो ही मत बिल्कुल। ये सभी फॉर्मूले को तुम्हें याद करना है। अब आते हैं, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे थे आप? 12वें का सेकंड। बहुत ही अच्छा, सुंदर। 12वें का जो सेकंड स्ट्रक्चर है ना, उसे आप करेक्टली रिप्रेजेंट करिए। यहां पे अभी तो आप इन्हें सीखा नहीं है, इसे इसका स्ट्रक्चर जो दे रखा है वो इन्होंने ऐसा दे रखा है। तो यहां पे आप ओ लिखा हुआ है, ओ के साथ एच लगा लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 12वें का सेकंड। अब बता दोगे इसका नाम? ये कार्बन है सी ओ ओ एच, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा नाम पूछा था मैंने, बेंजोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इज द फंक्शनल ग्रुप, बट द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजोइक एसिड। हां जी, नेक्स्ट बोलिए। है जी 13 सीक्वेंस में चलना है मुझे। 13 कल ही तो कराया था, 13 वाला कल ही तो कराया था ना यार, नहीं कराया था? पक्का नहीं कराया था? चलो कोई बात नहीं, इसके स्ट्रक्चर को बनाइए अपनी कॉपी में। 13 वाले का स्ट्रक्चर बनाइए, 13 का स्ट्रक्चर बनाइए कॉपी में। और C2H5 जाइए, ऐसे लिखा हुआ है ना CH3CH, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ था C2H5, फिर उसके बाद दोबारा से CH, फिर C2H5 और फिर से CH3। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना C2H5, ये ब्रांच में लिख के और इसे एक्सपेंड भी कर रहा हूं मैं, CH ये C2H5 इसके नीचे आ जाएगा। ऐसे लिख दूं, ये C2H5 ही को तो रिप्रेजेंट कर रहा है यार। और आगे फिर दोबारा से CH और फिर दोबारा से इसी को एक्सपेंड किया हमने, और ये आपको बताया था कि ये यू शेप बना देंगे। सबसे लॉन्गेस्ट चेन सुननी आपको, यहां से शुरू करो 1 2 3 4 5 6, ये ब्रांच, ये भी ब्रांच, 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन, ऑप्शन बी। 13वां क्वेश्चन। नेक्स्ट, 24वें पे पहुंच गए हैं प्यारे बच्चे। ओके, 23 रह गया है, 23 अभी नहीं कर पाओगे जब तक आप वीडियो नहीं देख के आओगे, और कल मैं एक टॉपिक कराऊंगा। 24वें पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर आइसोपेंटेन। बेटा देखो, आइसो नियो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है सब कल के बाद होगा, तो आज बताइए मुझे, बोलो। 34 में मेक श्योर आइसो पाइसो ना हो, 34 इस कंपाउंड का नाम। इतना आसान क्वेश्चन है, ये क्यों पूछ रहे हो मुझसे, क्या दिक्कत आई है? इसमें भी आइसो वगैरह लिखा हुआ है, आईयूपीएसी नाम में आइसो वगैरह नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का स्ट्रक्चर प्यारे बच्चे CH3CH, और आगे ब्रैकेट में CH3 लिखा हुआ है, तो वो कहां लगा देंगे हम? ब्रांच में, तो नीचे लगा दिया CH3। इसके बाद सी है, फिर CH2 है, यहां पे गलती है ना, CH2CH3। तो यहां पे मेरे ख्याल से नीचे भी CH3 होगा, यहां पे भी CH3 होगा। इट्स अ टाइपिंग एरर, जहां पे CH2 लिखा हुआ है ना सी के बाद, उसे आप CH3 ट्वाइस कर लीजिए, जहां तक मुझे लगता है CH3 ट्वाइस। अब बताइए नंबरिंग कहां से करूं, ऑब्वियसली राइट से या लेफ्ट से? यहां से करेंगे, बहुत बढ़िया। 2-मिथाइल, हाँ हाँ बताओ, 2-मिथाइल के बाद 3-इथाइल है क्या? ये अलग अलग है ना प्यारे बच्चों, क्या नाम आएगा बताइए मुझे? 2,3,3। IUPAC में आईसो वगैरह नहीं आता है, बार बार आपको बता रहा हूं मैं,
क्या नाम लिखोगे? 2.3.3 ट्राई मिथाइल और 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 34। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो या तो हमारे स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है या फिर ऑप्शंस में, तो इसको आप यहीं स्किप कर देंगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए प्लीज। कर रहे हैं, हाँ जी 45 55, तुम हो अभी बच 55 नहीं करना है आपको, भाई साहब एक लो कंपाउंड है, सिलेबस में नहीं है। 38 ओके, 38 में स्ट्रक्चर दिख रहा है सभी को, क्या है? किसी के में नहीं दिख रहा 38, दिखाना। 38 में CH3 स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। 38 का जिनको नहीं दिख रहा है यार, ये तो बच्चों से मांगना देना तुम्हें। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, CH3 का ट्वाइस, तो एक आगे और एक नीचे लगा देंगे। ये लो किसका है, ये तो हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे हम? यहाँ पे 1 2 3 4 5, 2 और 3 के बीच में आ रहा है। नाम लिख दिया इसका, क्या नाम है? 4-methyl, 5 कार्बन है तो pent-2-ine। ठीक है नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट करा है आप लोगों ने, कहां तक किया ये बताओ, पीछे से कर ले फिर, जो कर रखा है कर रखा है, ऐसे रैंडमली मत पूछो नहीं किया है तो नहीं किया है। हेडिंग डालिए आप लोग, नेमिंग ऑफ नाइट्राइल्स, नेमिंग ऑफ नाइट्राइल्स लीजिए बेटा। नाइट्राइल्स में आपको CN ग्रुप देखने को मिलेगा, CN ग्रुप या तो इकट्ठा लिखा होगा या फिर C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो इसकी हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। और आप लोग एक बात ध्यान से समझना, 2 कार्बन मिनिमम रखेंगे इसको लिखने के लिए। अब इसके 2 तरह के नाम लिखे जा सकते हैं, 2 तरीके से नाम लिखे जा सकते हैं, ये ऐसे लिखा हुआ है या फिर बच्चे ऐसा लिखा होगा, ये CH3CN। बॉन्ड नोटेशन में देखें तो 2 कार्बन होते हैं 1 2, और यहां पे होगा ट्रिपल बॉन्ड और फिर N होगा। समझना है कैसी का बॉन्ड नोटेशन है, CCH3, ये C है, ये CH3। इसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको एक नंबर देना है, जो CN वाला C होगा, CN वाला कौन है, CN वाला C, ये वाला C है, 1 और 2, कितने कार्बन, चाहे ऐसे लिखा हुआ हो, चाहे ऐसे लिखा हुआ हो या फिर ऐसे लिखा हुआ हो, सब में आपने देखा कि आपने 2 नंबर दिए हैं। N से जो जुड़ा हुआ C है उसे आप 1 नंबर दोगे, IUPAC नेमिंग बता रहा हूं मैं आप लोगों को। कुछ नहीं करना है, कितने कार्बन हो गए बच्चे, 2 कार्बन हो गए हैं। 2 कार्बन के लिए क्या आता है, 2 कार्बन के लिए क्या होता है, आवाज नहीं आ रही है, बहुत ही कम आवाज है, और लास्ट में नाम लगा दोगे नाइट्राइल, NITRILY, क्या नाम आया, इथेन नाइट्राइल, क्या नाम आया, क्या अगला वाला कर लोगे तुम लोग, चलो ट्राई करो और मेरे को फटाफट से अगले वाले का सब कुछ चाहिए फटाफट से। 1 2 3, तीसरा कार्बन इज CN। प्यारे बच्चों इसका मुझे एक शब्द में नाम चाहिए, नंबरिंग करिए यहां से 1 2 3, एक साथ क्या है, प्रोपेन नाइट्राइल, NTRILY, प्रोपेन नाइट्राइल। नाउ यू कैन ड्रॉ द बॉन्ड नोटेशन, 1 2 3 और फिर ट्रिपल बॉन्ड और फिर N मेंशन करना है आपको। एक चीज और याद रखना, इधर आओ वापस इसी स्ट्रक्चर में, दिख रहा है तुम लोगों को यहां पे, ये मैंने जो नाम लिखा है ये इसका IUPAC नेम है, आपको इसका कॉमन नेम लिखने के लिए आ जाए, कौन सा नेम,
बोर्ड पे एक बार ध्यान देखो, छपाई मशीन हो इधर, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर कॉमन नेम लिखने के लिए आ जाता है तो सीएन को इग्नोर कर, मतलब सीएन का नाम फिक्स है, सीएन को छोड़ के कितने कार्बन बचे हुए, नंबरिंग करी, वो आपका आईयूपीएसी का हिस्सा था, आप इसको छोड़िए, और कितने कार्बन है यहां पे, एक, एक कार्बन को क्या बोलते हूं, मिथ, और क्योंकि कॉमन नेम लिख रहे हैं तो वाई एल लगाना, क्या नाम आ गया, मिथाइल, और सीएन को बोलेंगे हम साइनाइड, क्या नाम आ जाएगा, मिथाइल साइनाइड और इथेन नाइट्राइल एक ही कंपाउंड का नाम है, लेकिन जब आप आईयूपीएसी लिखोगे तो दिस कार्बन इंक्लूडेड, और अगर आप कॉमन नेम लिखोगे तो इसका नाम अलग और सीएन का नाम अलग साइनाइड हो जाएगा। प्यारे बच्चों लिखना बाद में, मुझे पहले आंसर चाहिए इसका। इसका आपने आईयूपीएसी नाम लिख लिया, दैट इज प्रोपेन नाइट्राइल, कॉमन नेम में मेरे को सीएन का नाम क्या है बता दो फटाफट से, साइनाइड, और इसका नाम क्या है, इथाइल, तो क्या नाम आ जाएगा, इथाइल साइनाइड, मैं तुम्हें बोल रहा हूं ब्यूटाइल साइनाइड, ब्यूटाइल साइनाइड, ये इसका कॉमन नेम है या आईयूपीएसी नेम है, इसमें कितने कार्बन होंगे, चार या पांच, ब्यूटाइल अलग से और साइनाइड अलग से, टोटल कार्बन कितने होंगे, पांच, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार और पांच, पांच कार्बन है यहां पे, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, एक दो तीन चार, सही बनाया है, ये एक और कार्बन लगेगा। अब यहां से नंबरिंग करिए, हाइड्रोजन पूरे कर लीजिए इसके, CH3, CH2, 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 इस पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहां से नंबरिंग शुरू करिए, एक दो तीन चार पांच, क्या नाम आया बच्चे, पेंटेन, पेंटेन नाइट्राइल, नाम लिख लोगे आप, नाइट्राइल में कार्बन इंक्लूड करना है, अगर आपको सिर्फ इतना पोर्शन देखना है तो दिस इज ब्यूटाइल, और इतना पोर्शन देखना दिस इज साइनाइड, ब्यूटाइल साइनाइड, लेकिन आईयूपीएसी में इंक्लूड होगा। बात आती है बॉन्ड नोटेशन की, तो मेरे ख्याल से वो भी आप बना ही लो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे फटाफट से, याद है, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट सेटिंग डालेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस, नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस, प्यारे बच्चों नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस, मेरे ख्याल से सभी ने हेडिंग डाल लिया और इंतजार कर रहे हैं कि मैं अगला स्ट्रक्चर बनाऊं। अमाइंस आपकी पहचान है NH2, अमाइंस को पहचान है तो NH2। अच्छा, अमाइंस तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये किस सीढ़िया का नाम है बताऊंगा तुम्हें, अभी फिलहाल कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपके पास कार्बन की चेन होगी और उस पर लास्ट में NH2 जुड़ा होगा, अगर NH2 जुड़ा हुआ है कुछ दिमाग नहीं लगाना है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन। कैसा अमाइन बच्चे, और इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं आने वाला है, प्राइमरी अमाइन है, आसान है। एक कार्बन, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, बोल यार फटाफट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, ए, एन की स्पेलिंग में ए एन ई, और NH2 का नाम हो जाएगा अमाइन, क्या नाम आ जाएगा, अमाइन। कौन से नंबर पे अमाइन है, वन नंबर पे, हालांकि मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बट वन अमाइन यू कैन से, मिथेन अमाइन, जल्दी बनाइए मिथेन अमाइन, नंबरिंग करिए, और मेरे ख्याल से सभी बच्चे अब इसका नाम तो जरूर लिख ही पाएंगे, इथेन अमाइन, अरे वाह वेरी गुड। चलिए जल्दी करिए, अपनी कॉपी में स्ट्रक्चर बनाइए, और अगर वो हो गया तो मेरे ख्याल से ये भी आसानी से बता दोगे, एक दो तीन, प्रोपेन अमाइन, बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग। मुझे एक बात बताओ, इसका नाम मुझे समझ नहीं आया, यहां से नंबरिंग करी मैंने, ये भी क्या है, प्रोपेन, टू अमाइन, वन अमाइन नहीं, टू अमाइन, लिख दे फटाफट से, ये वन टू इथेन अमाइन, ये प्रोपेन अमाइन, ये प्रोपेन वन अमाइन, ये प्रोपेन टू अमाइन, जल्दी कर। ज्यादा प्रायोरिटी NH2 को देनी है, यहां से नंबरिंग करिए, एक दो तीन, टू मिथाइल, हां जी बहुत बढ़िया, प्रोपेन अमाइन, वन अमाइन, यू कैन से प्रोपेन वन अमाइन। अगर आपके पास अल्कोहल आ जाए, देखो मैं पूरी प्रायोरिटी रूल दोबारा से बताने लग रहा हूं, सबसे पहले क्या आया था, कार्बोक्सिलिक, फिर क्या आया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद कौन आया, कीटोन, कीटोन के बाद कौन आया, अल्कोहल, अल्कोहल के बाद कौन आया, NH2। सफिक्स कब यूज करना है, जब इनसे कोई हायर प्रायर का हो,
प्रीफिक्स कब यूज करना है, जब ये खुद ही हायर प्रायोरिटी में हो। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं यहां पे इनके सफिक्स यूज कर रहा हूं सभी के। अभी सभी सभी के सफिक्स याद है आप लोगों को? COH का सफिक्स बताओ। ओई करे, वाह वेरी गुड। CHO का बताओ सफिक्स अल। लेकिन अगर ये है तो इसका अल यूज ओके मतलब अगर इसका सफिक्स यूज हो रहा है तो बाकी सभी के प्रीफिक्स यूज होंगे। ये है ही नहीं तो फिर इसका सफिक्स यूज होगा। लॉजिक क्लियर है? मैं ऐसे लिख रहा हूं, CO कीटोन है, इसका नाम ओन, इसका नाम ओल और इसका नाम अमाइन, ये हमारा सफिक्स है। रही बात प्रीफिक्स की प्यारे बच्चों, तो प्रीफिक्स जब उससे लो प्रायोरिटी का हो, हाई प्रायोरिटी का होगा तब यूज करना। इसका कुछ होता नहीं है। इसका प्रीफिक्स क्या यूज करा था हमने, कल भी करा था इसका क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड फॉर माय। इसका नाम बेटा इसका ऑक्सो, इसका हाइड्रो ऑक्सो या हाइड्रो ऑक्सी। NS2 का बेटा, NS2 का कोई बच्चा बताएगा? अमीनो। क्या यूज करोगे? अमीनो, क्योंकि हो तुम सब कमीनो इसलिए इसका नाम पड़ा अमीनो। जल्दी से करो, ये प्रायोरिटी रूल का याद रखना बेटा। बू छपाई मशीन, तो चलते हैं फिर आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन लिख लेना आपके पास, यहां ध्यान से देखिए इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। दो, एक कीटोन है क्या ये? गरीब हो, बनाओ भी बताओ भी, गलत मत बताओ। लेकिन ये एल्डिहाइड है और ये वाला अमाइन। ज्यादा वैरायटी किसकी थी बच्चे, बोलना फटाफट से। एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का नाम सफिक्स में यूज होगा या प्रीफिक्स में यूज होगा? और NS2 का नाम कहां पे यूज होगा? प्रीफिक्स में। नाम क्या होगा? अमीनो। क्या नाम आएगा बोलो? नंबरिंग कहां से करें? यहीं से करें, 1 2 3 बोल भाई। 2 अमीनो, ओके वेरी गुड। NS2 के लिए अमीनो लिखा और 3 कार्बन है तो प्रॉप एन अल, प्रॉप एन अल। कितने बच्चों को नेमिंग अच्छे से आती है? वो बच्चा मुझे फटाफट से अगले स्ट्रक्चर का नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं। मेरे लिखने से पहले सभी बच्चे इस स्ट्रक्चर को लिखेंगे, बाकी सारा काम छोड़ेंगे और मुझे जिन जिन बच्चों को आता है उनकी आवाज मुझे मेरे कानों तक तो पहुंचनी चाहिए और फटाफट से उसका नाम आपको बताना है, ध्यान पूर्वक नाम बताना है, गलत नहीं बताना है, ध्यान से समझना। बाकी बच्चे स्लो है छपाई मशीन की तरह, उनसे हमें मतलब नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ा के देख लिया उनका कुछ असर होने वाला नहीं है। फटाफट से जिन बच्चों को अच्छे से नेमिंग आती है, स्ट्रक्चर बन गया होगा, नंबरिंग हो गई होगी, नाम बताना मुझे शुरू करिए। ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे हम? यहां से नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5। हां जी बोलिए फटाफट से। हाँ हाँ, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, परफेक्ट। दिस इज कॉल्ड, ये होता है पढ़ने का तरीका। बाकी तो छपाई मशीन है, वो छाप लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने स्ट्रक्चर बनाया, जिनको आता था उन्होंने मेरे साथ साथ स्ट्रक्चर बनाया, मेरे से पहले नंबरिंग करी और मेरे से पहले उन्होंने नाम बताया। बहुत ही अच्छी बात पढ़ी तुम लोगों ने। स्ट्रक्चर आपके सामने ये है और आपको करना क्या है वो ध्यान से समझिए, ध्यान से सोच समझ के इसका आपको नाम बताना है। इसमें मेन प्रायोरिटी आपको किसको देनी है? CN को, मैं बता रहा हूं किसको देनी है, CN को। चलिए शुरू करिए, मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसका नाम नंबरिंग लिख लिया होगा, मुझे बताना शुरू करिए। CN की ज्यादा प्रायोरिटी होने की वजह से यहीं से नंबरिंग होगी, 1 2 3 4 5। ये हमारा एज अ फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन। दोनों तरफ कार्बन है तो क्या हो गया? ये कीटोन। ये क्या है हमारा? अल्कोहल। ये क्या है हमारा? अमाइन्स। ओके, सो इन सभी के सफिक्स यूज होने वाले या प्रीफिक्स यूज होने वाले? प्रीफिक्स यूज होने वाले, बिकॉज CN इज मोर प्रायर। ट्राई इट आउट फटाफट से, बताइए मुझे 3 अमीनो। बहुत बढ़िया, जल्दी से बता रहे हैं मुझे 3 अमीनो, 3 हाइड्रोक्सी, बहुत बढ़िया, लड़खड़ा रही है जी, पर अच्छा है। 4 ऑक्सो यूज हो गया, बहुत बढ़िया। ऑक्सो की यूज हुआ क्योंकि ये प्रीफिक्स है। आगे, क्योंकि ये 5 कार्बन है तो पेंटेन, और स्पेलिंग पूरी आएगी और फिर नाइट्राइल शब्द यूज करेंगे। साइनाइड मत यूज कर देना, साइनाइड हम कॉमन नेम में यूज करते थे। तो ये कुछ नेम थे आपके अमाइंस के। और बढ़ते हैं हम अपने असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में प्यारे बच्चों,
असाइनमेंट में आपको करना क्या है, असाइनमेंट में पीछे से शुरू करते क्योंकि पीछे तक मेरे ख्याल से ही कोई बच्चा पहुंचा है। 103 नंबर का एक क्वेश्चन है, हालांकि इसमें 104 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए जानबूझ के कटवाया कि एक क्वेश्चन रहने दो मालिक, प्लीज एक क्वेश्चन रहने दो। ये जो अमाइन है ये 1 डिग्री का अमाइन नहीं है, ये सीएल आ गया, यहां पे भी सीएल आ गया, इस तरह का स्ट्रक्चर है ये। प्यारे बच्चों मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, इसके नाम को लिखने से पहले तुम्हें पहले इसका नाम बताना पड़ेगा मेरे ख्याल से। 103 को करने के लिए इसका नाम सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए। क्या नाम है कराया हुआ है कोई भी? एनिलीन, बहुत बढ़िया। इसका नाम क्या है? एनिलीन। मेरे साथ साथ लिख लीजिए एनिलीन, और जिन बच्चों ने एनिलीन लिख लिया दोबारा से यही स्ट्रक्चर बनाओ और मैं उसका नाम पूछूंगा तुमसे। 103 को करने के लिए तुम्हें एनिलीन का पता होना चाहिए, और एनिलीन में इस जगह पे अगर सीएल है तो इसका नाम बताइए, जल्दी करिए, स्ट्रक्चर बनाइए, इतना टाइम नहीं है, बेंजीनिंग बनाने में टाइम नहीं है। 3-chloroaniline, बहुत बढ़िया, 3-chloroaniline, ये होना चाहिए कि मैंने स्ट्रक्चर लिखा और तुम्हारे मुंह पे जुबान पे तुम्हारे नाम आ गया, ये नहीं कि छपाई करने लग रहे हो। इससे अगला स्ट्रक्चर मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं और उसका नाम भी तुम्हें पता होना चाहिए, ध्यान से समझो। यहां पे NH2 है, यहां पे CL है, यहां पे भी CL है। प्यारे बच्चों बोलो 1, 2, 3, 4, हां जी 3.4 डाइक्लोरोएनिलीन, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। ये होते हैं, ये होते हैं प्यारे बच्चे आंसर्स। अब अगला जो स्ट्रक्चर आ रहा है, मेरे ख्याल से तुम लोग ये जो छपाई मशीन है वो पिछला वाला बना रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि फोटोकॉपी की मशीन हमेशा कमांड देने के बाद ही कुछ काम करती है। बहुत ही अच्छा, इसका नाम आपको लिखना है, कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर बना लो यार, सोचो मत, स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बनाना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर बनाने से ही आप नाम लिख पाओगे। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा, प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, NH अगर दिख जाए तो वो अमाइन होगा। क्या होगा? तो पहले हम क्लासिफाई करते हैं कि विच टाइप ऑफ अमाइन इज NH के, इस तरफ भी कार्बन और इस तरफ भी कार्बन है तो ये 2 डिग्री का अमाइन है। कितने डिग्री का अमाइन है? अब मेरे प्यारे बच्चों इधर ध्यान दो थोड़ा सा, आप जब इसका नाम लिखोगे N पे CH3 है, क्या है इसको हम बोलते हैं N मिथाइल। क्या बोलते हैं? लिखिए वहां पे प्यारे बच्चों N मिथाइल, N मिथाइल, N मिथाइल हो गया, खत्म कहानी। N मिथाइल लिखने से पहले आपने गलत नाम लिखा है, N मिथाइल बाद में अल्फाबेटिक लाइन लिखना था यार। 3-4 1, 2, 3, 4 पहले लिखना है आपको 3.4 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो 3.4 डाइक्लोरो N मिथाइल, और बाकी ये बच गया आपका एनिलीन, है ना, ये बच गया आपका एनिलीन। ये स्ट्रक्चर आपने बनाया, इसका नाम बनाया और मेरे से पहले बनाया, बहुत अच्छी बात है। आते हैं हम अपने प्यारे से क्वेश्चन 103 की तरफ। ये क्वेश्चन में CH3 ट्वाइस लिखा हुआ है, तो CH3 जो ट्वाइस लिखा हुआ है ये थोड़ा लिखने का तरीका कैजुअल है, हम यहां पे भी CH3 और यहां पे CH3 लिख देते हैं। क्या इस तरीके से हम लिख सकते हैं? नंबरिंग करिए इसकी प्यारे बच्चों, नंबरिंग, सोचो मत यार, तुम लोग ज्यादा सोचोगे दिमाग खराब हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 नाम बताइए, 3 और 4 पे पहले बताओ क्या है, 3.4 डाइक्लोरो लिख लिया मेरे ख्याल से, मेरे से पहले लिखा हुआ है तुमने अपनी कॉपी में, और फिर तुम मुझे बता रहे हो N पे, N पे डाई मिथाइल, दो बार है, इथाइल नहीं, इथाइल में एक ही तरफ होगा, तुम समझो दो तरफ से जुड़ाव है, एक ही तरफ लंबी दो चेन जा रही है, उसमें फर्क होता है। क्या आएगा? N, N इज पोजिशन नंबर, N, बोल बोल, डाई मिथाइल, आवाज नहीं आई, N, डाई मिथाइल, और बेंजीन रिंग पे जो N होता है उसे हम क्या बोलने वाले हैं? एनिलीन बोलने वाले हैं। ऐसा कोई ऑप्शन मेरे ख्याल से, अच्छा ऑप्शन वाला नहीं है तो सिर्फ नाम ही लिखना था, तो हमने ये नाम लिख दिया। 102 में बढ़ते हैं, अब अगला स्ट्रक्चर आपके असाइनमेंट में, 102 स्ट्रक्चर आपने कॉपी में बना लिया होगा, नंबरिंग कर लिया होगा, बस आप मुझसे क्रॉस चेक कराना चाहते हैं कि हमने सही किया कि नहीं किया। और ये जो स्पीड है तुम्हारी भाई साहब माशाल्लाह, ध्यान से समझिए, ये बताइए कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करता है? अभी पढ़ाया मैंने, आज ही पढ़ाया मैंने, अमाइन, बोलने में भी झिझकाहट हो रही थी क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी, सॉरी जीभ की हड्डी थी वो फड़फड़ा रही थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 3 नंबर कम नंबर में पढ़ना चाहिए। ये जो ऐसे बॉन्ड दिख रहा है ये हमारा ये CH3 को रिप्रेजेंट करता है, ये 6 नंबर का कार्बन है। सो नाम क्या होगा इसका? 5 पे क्या दिख रहा है तुम्हें? 5 पे क्या दिख रहा है तुम्हारे? मेरे लिखने के बाद बताओ मुझे 5 पे क्या दिख रहा है तुम्हें? मिथाइल, और उससे पहले हेक्सेन, वो बहुत बढ़िया, हेक्सेन, एन, इन की स्पेलिंग में AN, AN, और अमाइन नहीं लिखेंगे बच्चे,
थ्री पे अमाइन है, पोजीशन भी मेंशन करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट, ये है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, बी 102 में ऑप्शन है बी, टिक लगाएंगे बी पे, बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर। 101 की बात करेंगे हम, 101 की बात करनी पड़ेगी हमें, आज हमें 101 की बात करनी पड़ेगी। लेकिन 101 रुपए का जो कन्यादान डालना था उसको करने से पहले प्यारे बच्चों एक बार स्ट्रक्चर इस बोर्ड की तरफ ध्यान दो, जब तुम्हारी नजरें इस तरफ झुकती हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि इसका नाम आपको लिखना आना चाहिए। पहले आप 101 को करने से पहले इसका नाम लिखना सीखो। यहां पे ये दो फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करता है, क्या दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है या अलग है? ये कू है, ये हुक है, सेम है। ओके थैंक यू सो मच फॉर दिस। 1 2 3 4 1 2 3 4 किसी को भी नंबरिंग दे दू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक पे आएगा और ये हमेशा चार पे आए, कोई लड़ाई की दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या नाम आएगा? देखिए 101 क्वेश्चन नहीं बनाया मैंने, मैंने बोला 101 को करने के लिए ये पता होना चाहिए। तो अभी वेट करिए, चार कार्बन के लिए क्या नाम आएगा? ब्यू, एन, एन, एन कौन लिखेगा? एन की स्पेलिंग पूरी आएगी इस बार। और वन और फोर डाइओइक एसिड लिखा आपने, बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हो आप लोग, लेकिन खेला अभी शुरू हुआ है। इसे अगला स्ट्रक्चर आप बनाइए और इस स्ट्रक्चर में देखिए कि आपको क्या अलग दिखता है, क्या सब कुछ वैसा ही था, क्या ये सारी पुरानी बातें थी जो तुमने लिखी थी, क्या स्ट्रक्चर मेरे से पहले तुमने अपनी कॉपी में बना लिया, नाम भी लिख लिया है, बस आप क्रॉस चेक करना चाहते हो, सिर्फ इस बात का इंतजार है। अब आप समझिए, यहां पे आपके पास तीन COOH ग्रुप है, किसी के पास एक नहीं होता, इसके पास तीन। प्रायोरिटी किसे देंगे प्यारे बच्चे? एक टर्मिनल से, अगर मेरी बात सुनो, इधर से शुरू करूं, 1 2 3 4 5 ये बेचारा रो रहा है कि मैंने क्या बिगाड़ा था, मुझे भी प्रायोरिटी दो। और हाँ, जब हमने तीन से इधर मुड़े, हम चार की तरफ गए, तो फिर ये रोने लगा कि मैंने क्या बिगाड़ा था, मुझे भी प्रायोरिटी दो। जब इस तरह की सिचुएशन में आप फंसो तो डोंट गिव एनी बडी और एनी COOH ग्रुप टू द प्रायोरिटी, किसी को प्रायोरिटी मत दो, पर प्रायोरिटी दो, इक्वल प्रायोरिटी दो, क्योंकि COOH ग्रुप तुम्हारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि किसी के चक्कर में किसी को ज्यादा प्रायोरिटी दे दी। 1 2 3 ये अलग, ये भी अलग और ये भी अलग, इनमें से किसी को आपने नंबर नहीं दिया। ये आपकी मेन चेन है, मेन बॉडी है, खांसी ना करे क्योंकि साउंड इफेक्ट जल्द गलत चला जाता है। बस बेटा मजा किया है तो फिर भी जानबूझ के खांस रहा है, खांसी कहीं और से निकल गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बेटा जब COOH को नंबर नहीं देते हैं तो इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक, क्या नाम होता है? सिंपल सा नाम होता है। कितने कार्बन है? 1 2 3 3 कार्बन के लिए हम लिखेंगे प्रोप एन, ओइक नहीं यूज होगा, प्रोप एन 1, 2, 3 और ओइक नहीं, क्योंकि तीन तो यही है और COOH अलग से है, इसको नंबर नहीं दिया गया है, इसको लिखेंगे हम प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे लिखना है आपको। ओइक नहीं यूज करना है, ये तब यूज करना है जब आपको नंबर, आपने नंबर नहीं दिए। बेटा ये 101 क्वेश्चन नहीं है, मैंने बोला 101 करने के लिए ये सब करना पड़ेगा, ये 101 नहीं है। अब आएगा 101 क्वेश्चन में सिर्फ इतना चेंज किया इन्होंने, कितना चेंज किया कि इसने बीच में कुछ ना कुछ लगा दिया, OH लगा दिया। देखिए OH आने से ऐसे कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं आएंगे, सेम तरीके से नंबरिंग करना है आपको। 1 2 3 इसको भी नंबर नहीं मिला, और COOH की ज्यादा प्रायोरिटी होती थी ऑब्वियसली, OH ही कोई औकात नहीं। OH को क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोक्सी। तो क्या लिखोगे बेटा? 2 हाइड्रो हो नहीं नहीं औकात तो बहुत ज्यादा है, पेन को गिरा दिया इसने। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1, 2, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड लिख ले। गर्दन इतनी बार उठती है ना, मेरे को गुस्सा आ गया, खुद दिमाग नहीं लगाना है। 101 का स्ट्रक्चर बनाइए, नंबरिंग करिए, बोन नोटेशन बनाइए। बात करते हैं चीटर कहीं के, फोटोकॉपी की मशीन। 101 ये है 101 क्वेश्चन,
ये है 101 क्वेश्चन। 100 100 की बात कर रहे हैं, पूरी सेंचुरी। किसी को लगेगा कि हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन सच्चाई हमें ही पता है कि गिनती के हमने अभी तक 4 ही क्वेश्चन करे और इतने में अंगड़ाइयां आ रही, बदतमीजी की हद होती। CH3 ट्वाइस, फिर C, फिर NH2 और CH2 और फिर CO और फिर CH3। बहुत बढ़िया, स्ट्रक्चर डिकोड करिए। सबसे पहले CH3 दो बार है इस C पे, तो एक आगे एक ऊपर लगा रहा हूं मैं, और इसी C पे एक NH2 भी है आगे ब्रैकेट में, नीचे लगा देता हूं इस NH2। फिर आगे चले, आगे यहां पे CH2 आएगा, फिर ये जो CO इकट्ठा होता है बीच में, इसका मतलब है कीटोन है। इसको कैसे लिखना है, डबल बॉन्ड O के साथ लिखना है, फिर आगे CH3 लिखना है। सो यू हैव अ टू फंक्शनल ग्रुप, वन इज अमाइन NH2 ग्रुप, अनदर इज कीटोन। विच वन इज मोर प्रायर, अभी बताया था कीटोन। तो नंबरिंग करेंगे हम कीटोन की तरफ से प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 ये ब्रांच, ये भी ब्रांच। NH2 का क्या यूज करने वाले, अमीनो, वेरी गुड, 4 अमीनो 4 मिथाइल, 4 4 क्यों आएगा, 4 मिथाइल, बहुत बढ़िया। 2 पे क्यों आएगा, पहले मेन चेन लिखेंगे, पेंट सिंगल एन टू ओन की टोन ओन यूज करना है। 100 क्वेश्चन था ये, मेरे ख्याल से इसका कोई नाम इसमें मैच नहीं कर रहा है, कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। 4 अमीनो 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन, 100 का 4 आ गया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 99 प्यारे बच्चों, है जी गलत है ना स्पेलिंग टाइपराइटर की। क्वेश्चन नंबर 99, बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर। इसको डिकोड करने के लिए आप लोग बोर्ड पे ही देखेंगे, बिजली पर मैं बनाने वाला नहीं हूं, जल्दी करो। मैं देखता हूं कौन बच्चा इसको अच्छे तरीके से खोल सकता है, जो खोल नहीं सकता है वो बना क्या सकेगा। स्ट्रक्चर को डिकोड करके बनाइए, ऊपर नीचे जो ब्रैकेट की चीजें होती है जोड़िए। आपको आता नहीं है, मेरे को पता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ये जो CHO है इसको ऊपर या नीचे बनाने की जगह साइड में भी बना सकते हैं, बट कोई बात नहीं, आपको समझ नहीं आता तो आप ऊपर ही बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बाद में खेला करेंगे। इसके बाद इसने डबल बॉन्ड दिया, अच्छा दे दिया, डबल बॉन्ड के बाद CH लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड के बाद CH लिखा हुआ है, और उस CH पे NH2 भी लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से हर कार्बन के सक्सेस पूरे हो चुके हैं। सो यू हैव अ टू फंक्शनल ग्रुप, वन इज OH HOH, CHO is aldehyde, okay. So you have aldehyde functional group which is more prior than the NH2. How many carbon in this chain? Three. So write the name. NH2 is what? It's a amino. It's a amino. 3 amino. Very good. Prop N. Oh, N aayega. Prop 2-ene. Al. इन में ई नहीं आएगा, अल अल एक साथ लिख लो, हाइफन लगाने की जरूरत नहीं है। प्रॉप टू इन अल, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, बी ऑप्शन है, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। इतना प्यारा स्ट्रक्चर बनाया आपने, 98 98। क्या ये बेंजीन रिंग है 98? स्ट्रक्चर बनाया नहीं तुमने, CH3CH नीचे बेंजीन रिंग टपका रखी है, बीच में रिंग भी डाला हुआ है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आसान सा है, मेन चेन कौन होगा प्यारे बच्चों? ऊपर वाले में सिर्फ कितने कार्बन है, 4, और बेंजीन में कितने कार्बन है, 6, 4 बड़ा कि 6 बड़ा। तो मेन चेन हमारी कौन सी होगी, बेंजीन रिंग, 1 2 3 4 5 6 प्यारे बच्चों। ये आपका ब्रांच में आएगा और खेला करा देना है, ब्रांच के अंदर भी सब ब्रांच, एक से जो जुड़ा हुआ होता है, मैंने हमेशा बताया है उसे एक नंबर दो,
एक तरफ चेन है लंबी, तेरे चेन की तरफ चले जाओ और इसे छोड़ दिया, ब्रांच में भी नंबर नहीं मिला, तो ये सब ब्रांच कहलाए, क्या कहलाएगा ये? और ये मैंने उस दिन भी चीख चीख के समझाया था, तुम लोगों को समझ नहीं आया। वन के वन पे क्या जुड़ा हुआ है? एक पे एक के एक पे क्या है बच्चे, बोलना, मिथाइल। एक के एक पे मिथाइल और वैसे है ये प्रोपाइल, बहुत बढ़िया। ब्रैकेट क्लोज एंड दिस इज कॉल्ड द बेंजीन। और ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है मेरे ख्याल से, कर रहा है? नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है, ब्रांच में दे रखा। आईयूपीएससी नेम के अकॉर्डिंग इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसको आप इग्नोर करेंगे, आपका आंसर यही आएगा। समझ में आई बात? वैसे अगर मैच ही कराना है, मतलब कोई चॉइस ही नहीं है, तो आप एक दो तीन चार, तीन दो फिनाइल ब्यूटेन करके ऑप्शन लगा सकते हो, बट वो करेक्ट आंसर नहीं है भाई। ये तुम्हारे दादा जी ने जब जेई का पेपर दिया था उसमें आया हुआ था ये, इसलिए उस टाइम पे सही हो जाता था। आईयूपीएससी उतनी अपडेटेड नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 97, देख के इतना प्यार आ रहा है इस क्वेश्चन पे कि तुम लोग मेरे ख्याल से मेरे से पहले स्ट्रक्चर को बना के इसका नाम लिख के बस कंफर्मेशन के लिए बोर्ड की तरफ देखोगे। तुम लोगों के ऊपर इतना भरोसा है मुझे, लेकिन भरोसा वाला ही जो होता है वो देख के लिखता है, यहां से अच्छे से नहीं लिख पाता है वो अपने आप। विच वन इज मोर प्रायर? ओएच। तो क्या ओएच को एक नंबर दे दू ना? कार्बन को देना, ओएच को नंबर नहीं देना। तुमने नंबर भी दिया मेरे ख्याल से, मैच भी कर रहा है। ऑप्शन छुपाई मशीन, ऑप्शन बता दे मुझे, कोई तो होगा इसका ऑप्शन। अच्छा ये तो बता दो कितने कार्बन की चेन बनी है भाई? मैंने CH3 नहीं लटकाया, क्या यहां CH3 लिख दू? नहीं लिखूंगा तब भी बात समझ में आती है। तो छठा कार्बन है वो CH3 ही तो है ना लाए। एक दो तीन चार पांच छह, हेक्स टू इन ऑल, वन ऑल या ऑल, सिर्फ ऑल। ऑप्शन बता रहे थे सी, ओके, हेक्सेन टू इन ऑल, बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 96 पे आ गए, इतना प्यारा क्वेश्चन। इसने दोनों तरफ अपनी टांगे फिला रखी है, ध्यान से देखोगे आप, ऐसे केकड़ा बना हुआ है ये। इसे डिकोड करना आसान है, डबल बॉन्ड दिख रहा है बीच में आपको, लाइन गाड़ी नहीं है बेटा, डबल बॉन्ड है। इफ यू वांट टू डिकोड इट, डिकोड इट, अदरवाइज नो इश्यू। अच्छा बताइए, OH पास पढ़ना चाहिए, बात सत्य है, डबल बॉन्ड को भी प्रायोरिटी देनी है। मेरे पास दो ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। ए से स्टार्ट करूं बी से स्टार्ट करूं? नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं? अगर मैं ए से कर रहा हूं तो एक दो तीन पे आ रहा है, बी से करूंगा तो एक, तो बेटर ऑप्शन इज बी। बी से स्टार्ट किया हमने तो यहां से एक दो तीन चार पांच, क्या इसे खोल के बनाओ या समझ में आ गया? ये OH है, OH है, हाइड्रोक्सी ना, 2-3 डाई हाइड्रोक्सी ना, अरे हां कि ना यार? क्यों? क्योंकि यही ज्यादा प्रायर है यहां पे, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी नहीं है, OH की ज्यादा प्रायोरिटी है। कितने कार्बन है यहां पे? पांच, पांच कार्बन के लिए क्या आने लग रहा है? पैंट के आगे बोल, पैंट के आगे 2-3 लिखूं या 2 लिखूं? 2 इन की स्पेलिंग ENE, और किन किन जगह पे? डाई और, बहुत बढ़िया, डाई लगाया इसलिए ई आया, अदरवाइज ई नहीं आता। ऑप्शन मैच नहीं हो पा रहा है मुझसे, बी ऑप्शन मैच हो रहा, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन नंबर 90C का कुछ चीजें अगले पेज पे है, 95 ओके। कितने आसान शब्दों में लग रहा है कि 95 तो हम यूं देखते ही बना देंगे। अरे नालायको, बेंजीन रिंग तो वहां से देख के, बेंजीन पे OH है बच्चे, फिनोल दिख रहा है, लेकिन लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, इसके इन जगहों पे, इन जगहों पे, किन जगहों पे? इन जगहों पे ज्यादा ज्यादा ये ग्रुप भी जुड़े हुए हैं। अब आप समझिए, यहां पे मेन प्रायोरिटी मैंने बताया था आपको सी है। अरे वाह, वेरी गुड, यही इंप्रेसिव, यही 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 तुम्हारे बताने की जो आदत है, इसमें मैं कायल हूं। CN और OH में से ज्यादा प्रायोरिटी CN को, और इसे हम कार्ब नाइट्राइल के नाम से जानते हैं। जब इसे नंबर नहीं देंगे तो कार्ब नाइट्राइल बोलेंगे, और OH का प्रीफिक्स जो होता है उसे हम हाइड्रोक्सी। ये तुम्हारे बताने का जो अंदाज है ना, ये बस मैं क्या ही बोलू, घायल कर देता है मुझे। नंबरिंग हम यहां से करेंगे, एक दो तीन चार पांच छह, क्योंकि इधर आया तो बी आर को प्रायोरिटी दी, बी आर इज नॉट प्रायर देन दी OH,
OH का नाम अब फिनोल नहीं हाइड्रोक्सी पड़ने वाला है। कितने नंबर पे हाइड्रोक्सी पड़ेगा बच्चे? उससे पहले 6 पे कुछ तो है, 3 हाइड्रोक्सी, बहुत बढ़िया। बेंजीन, बेंजीन, ओके ओके, बेंजीन नाइट्राइल नहीं, CN पूरा का पूरा है। इफ CN, अगर CN नहीं होता तो उसे हम नाइट्राइल बोलते, CN है। CN को क्या बोलेंगे हम? कार्ब नाइट्राइल, कार्ब नाइट्राइल, बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर कार्ब नाइट्राइल। मेरी बात ध्यान से समझो, क्या ये समझ में आ गया? 94 क्वेश्चन में बस आपको प्रायोरिटी रूल का बताना है, आप देख लेना बुक से। 93 आप लोग 93 का स्ट्रक्चर बनाइए या नंबरिंग करके मुझे नाम बताइए, और उसके बाद आज के लिए इतना ही होगा। और ये जितने क्वेश्चंस है बेटा, जितने क्वेश्चंस है सब ट्राई करो, आइसो नियो और इन सब की वीडियो आप लोग को देख के आनी है, नोट्स कल लेके आने हैं, ताकि मैं आइसो वगैरह आपको कॉमन नेम में सिखा सकूं और हम आगे बढ़ सके। कंटिन्यू करेंगे हम कल से, ये लो असाइनमेंट बेटा ये, अरे वीडियो के लिए था, तुम तो करो पूरा अभी से, सांस लेनी के बंद कर दिया बस था।